मार्शल आर्ट्स हैं, इंडिया का है, इसका एक्चुअली मणिपुर से शुरू है, फिर भी आज इंडिया का परंपरा मार्शल आर्ट्स है। अभी ये थांगता भारत का हर जगह में फैलाना है, जगह और यूनियन टेरिटरी हो स्टेट हो सभी फैलाना है। और थांगता को 1999 से नेशनल चैम्पियनशिप शुरू है, लो इंडिया फोर्थ एडिशन में खेलते हैं। ये भारत सरकार के लिए ये सेकेंड टाइम से, हमारे लिए 5 times खेलो इंडिया है, और फिर भी हमारे लिए थांगता के लिए से सेकेंड टाइम से। और हमारा थांगता के अंदर में से अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक है। हम बहुत से क्या है, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारा थांगता को ओलंपिक गेम पहुंचने के लिए लास्ट ईयर से वादा किया है। हमारा राज्य है 33 इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटोरी, अभी खेला है, अभी यहाँ पे 22 स्टेट आया है, 22 स्टेट। कितने 125। जी संभावना तो ऐसी है कि हम मध्य प्रदेश को ऊपर रखना चाहेंगे, क्यों, और हम लोग यहाँ 25 तारीख को आ गए थे, हम लोगों का ट्रेनिंग कैंप लगा है, हम लोगों ने तैयारी की है, हमारे बाहर से कोचेस भी आए हैं तैयारी करवाने के लिए, और आई होप कि हम लोग 8 लोग हैं और सारे लोगों के गोल्ड हैं, और हम लोग बस यही चाहेंगे कि मध्य प्रदेश को आगे रखें। सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है, और मध्य प्रदेश अभी दूसरे स्थान पर चल रहा है, तो कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडल दें, जिससे वह ऊपर रहें, और सब संभावनाएं सभी की हैं, सभी मेडल लाएंगे, सभी ने अच्छे से कोशिश की है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लाएं, यही कोशिश करेंगे हम लोग। भारत के जो हृदय स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा की नगरी मंडला में आज थांगता का उद्घाटन हुआ है, और उसमें पूरे देश से 22 टीमें हमारे यहाँ शामिल हुई हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारे इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जिसमें कि सीएम साहब ने अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है। थांगता की जो हमारी 22 राज्यों की टीमें आज यहां पे आई हुई हैं, आज उनका मैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 8 से 10 तक चलेगा। सभी टीमों ने अपने डेमो और काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ ही समय में आप लोगों को फर्स्ट बाउट जो कि चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच है चालू होने वाली है।